बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपने एफओएच को, अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर और सर्विस डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना होता है। कभी हम लोग उसकी एलोकेशन कर रहे थे, फिर हम लोगों ने उसकी अपॉर्चुनमेंट के बारे में देखा, फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हमारे पास मौजूद थे जहां पर हम लोग री अपॉर्चुनमेंट कर रहे थे। उसके लिए, री अपॉर्चुनमेंट के लिए हम लोग देख रहे थे तीन डिफरेंट सिनेरियोज मौजूद थे, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन उनका आपस में किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता। मतलब कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहा। दोनों ही या तीन जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट थे सारे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो जाकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले वाले को सर्विसेज नहीं दे रहा। लेकिन ये एफओएच को, ये जो जितने भी एफओएच थे इनके, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हर हाल में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। फिर हम लोगों ने थर्ड फॉर्म उसकी देखी थी कि अगर तमाम सर्विस डिपार्टमेंट्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज देते हैं साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, लेकिन उनसे सर्विसेज लेते भी हैं किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से, तो उसको किस तरह से हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है, ये यहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व की। उसके लिए ना हम लोगों ने डिफरेंट बेसिस बनाई थी। ये बेसिस डिपेंड कर रही होती हैं उस एफओएच के ऊपर कि हमारे पास वो एफओएच कैसा है, बेस हम लोग वैसे ही सिलेक्ट कर लिया करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आई थी एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट के बारे में। इसके लिए कुछ ऐसे आपके एफओएच मौजूद थे जिसको उसने डायरेक्टली एलोकेट करके बता दिया था, तो इसमें हम लोगों ने एज सच अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना था। सेम हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट को जिस तरह से उसने एफओएच को एलोकेट किया हुआ था, हम एज इट इज कर रहे थे, लेकिन कुछ उसने हमें टोटल की फॉर्म में बता दिए थे कि ये हमारे पास टोटल एफओएच वगैरह मौजूद हैं और इनको जाकर हम लोगों ने अपोर्शन करना था ऑन डिफरेंट बेसिस। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो रेंट एंड रेट्स को हम लोगों ने बेस बनाई थी इसको अपोर्शन करने के लिए। इसके लिए क्या बेस थी हमारे पास? सरफेस एरिया। इसी तरह बिल्डिंग इंश्योरेंस भी आई थी तो हम लोगों ने सरफेस एरिया लिया, लेकिन जब हीट एंड लाइट आई तो हम लोग चले गए थे हीट एंड लाइट के लिए सरफेस एरिया की तरफ। जबकि पावर की जब बात आई थी तो फिर पावर यूजेज, अच्छा यहाँ पे पावर यूजेज गिवन थी तो हम उसके मुताबिक चले गए थे। अच्छा, बेसिकली पावर में और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग ये नॉर्मली यूज कर रहे हैं अपने घरों में, जो यूज कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये पावर नहीं कहलाती। पावर क्या होती है? जो हमारी फैक्ट्रीज को रन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, वो पावर कहलाती है। तो अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो आप लोग उसको तो जाकर सरफेस एरिया के मुताबिक भी अपोर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप लोगों के पास पावर आएगी तो उसको हम लोगों ने जो बेस बनानी होती है वो मशीन आवर्स होते हैं। मशीनों को रन करने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, उसे पावर बोला जाता है। तो उसके लिए जो आप लोगों ने बेस बनानी होती है, उसके लिए मोस्टली और सूटेबल जो बेस हमारे पास होती है ना, वो वैसे मशीन आवर्स है। अगर यहाँ पर मुझे पावर की कंजम्पशन के बारे में ना बताया जाता तो फिर मैं मशीन आवर्स की तरफ चला जाता, तो मैं जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू मशीन आवर्स जाके तमाम तर पावर यूटिलाइज करवाता, लेकिन यहाँ पर अलग से उन्होंने मुझे पावर यूजेज बता दी थी तो हम लोग परसेंटेज के ऊपर चले गए थे। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा, हम लोग रीअपॉर्चुनमेंट में गए थे तो डायरेक्ट एलोकेशन मेथड हम लोगों ने देखा था, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हम लोग गए जिसमें हमारे पास हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो फैसिलिटेट कर रहा था, लेकिन वो खुद फैसिलिटेट नहीं हो रहा था। उसके बारे में हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर जब थर्ड मेथड में गए, उसमें हमारे पास दो किस्म के डिफरेंट मेथड थे। द फर्स्ट वन इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें हमारे पास अगर ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखें तो ये कल हम लोगों ने सॉल्व किया था इसको, लेकिन अब यहाँ पर देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन में, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में अगर हम लोग जाएं
तो ये हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो सकता है। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास दो किस्म के सर्विस डिपार्टमेंट है, द फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज बॉयलर हाउस। अच्छा, इनके अपने ओवरहेड कितने आ रहे थे? 78,000, और बॉयलर हाउस का आपका 100,000। अच्छा, अब अगर आप लोग गौर करें तो मैंने यहां से ना डायरेक्ट, अगर बॉयलर हाउस की सबसे पहले बात करें तो मैंने 100,000 सिर्फ नहीं डिडक्ट किया हुआ, मैंने इसमें से जो डिडक्ट किया हुआ है इन टोटल, वो देखें कितनी अमाउंट की, इन सबको जरा ऐड करके मुझे बताएं कि बॉयलर हाउस के लिए टोटल कितनी अमाउंट हम लोगों ने डिडक्ट की हुई है इसमें से, ये जिनको मैंने टिक किया इन सबको ऐड करें। ये देखें, ये हमारे पास 110, ऐसे ही था। अच्छा, अब ये 110,000 हमारे पास आ गया। अगर आप लोग कैंटीन देखें, टोटल 78 था, लेकिन इनमें से जो मैंने डिडक्ट किए हुए हैं वो मैंने डिडक्ट किए ये वाली अमाउंट, तो जरा देखिएगा कि ये वाली अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, 100,000। अच्छा, अब अगर गौर करें ना, यहां पर जो हम लोगों ने इक्वेशन वगैरह बनाई थी, कैंटीन के टोटल अपने ओवरहेड्स कितने थे, जबकि हम इसमें से एलोकेट कितने करवा रहे हैं, 100,000। तो ऐसा नहीं है जैसे इसमें मजीद एडिशन आ रही है कितने की, 22,000 की, इसमें मजीद हम लोग ऐड कर रहे हैं तब जाकर यह 100 बन रहा है। इसी तरह अगर बॉयलर हाउस में देखें तो इन एक्चुअल कितने थे, 100,000, लेकिन हमने इसमें एलोकेट कितने करवाए बॉयलर हाउस से, तो इसमें एडिशन कितने की आ गई, ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखिएगा जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी, हम लोगों ने इसको जाकर टोटल रिप्रेजेंट कर दिया कि ये टोटल मेरे पास एक्स है, ये टोटल कैंटीन के टोटल ओवरहेड्स जो हम लोगों ने एलोकेट करवाने हैं वो टोटल कितने हैं, एक्स। तो बॉयलर हाउस के टोटल कितने होंगे, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आप इसकी अपोर्शनमेंट का क्राइटेरिया देखें तो उसने आपसे क्या कहा था कि जो आपके पास कैंटीन है ये बॉयलर हाउस में 20% की कंट्रीब्यूशन रखती है, कैंटीन बॉयलर हाउस में 20%, जबकि बॉयलर हाउस कैंटीन में। अच्छा, पहले जरा इस 20% पर आ जाओ, कैंटीन के बॉयलर हाउस को 20% ओवरहेड चार्ज करने हैं, तो यहां पर देखें जरा, 110,000 का 20%, 110,000 का 20%, 22, ये देखो ये आ गया। ऑलराइट, इसी तरह से यहां पर देखें, बॉयलर हाउस में कैंटीन के 10% आएंगे। अब यहां पर जरा देखो, कैंटीन के ओवरहेड्स का 10% कितना बनता है, ऐड हो गया किसमें, बॉयलर हाउस के ओवरहेड्स के अंदर, तो ये टोटल बन गया हमारे पास। यही वजह थी कि जब हम लोग इक्वेशंस बना रहे थे तो हम लोग इक्वेशंस कुछ इस तरह से बनाते थे कि अगर कैंटीन के लिए इक्वेशन बनानी होती थी तो हम लोग कहते थे कि भाई ये टोटल 100,000 हैं, ये टोटल 100,000 कैसे बन रहे हैं हमारे पास, कैंटीन के अपने ओवरहेड 78,000 प्लस उसके बाद 20% ऑफ वाई। अब हमें तो उस टाइम पे वाई का नहीं पता होता था ना, तो हम लोग को, और वाई क्या थे, बॉयलर हाउस के टोटल ओवरहेड्स को वाई कहा जाता है, ये जो उसने स्टार्ट में दिए थे इसको हम लोग वाई नहीं कहते, वो जो टोटल होता है उसको कहते हैं, तो ये इक्वल टू आ जाएंगे किसके, एक्स के। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई थी। अच्छा, अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, 100,000 प्लस, अब ये क्या है जो प्लस कर रहे हैं इसमें,
10% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा फिर? ये दूसरी इक्वेशन आपके पास बन गई थी, क्या आपको ये बात समझ आई? तो आप लोगों ने जब भी इक्वेशन बनानी हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इजी है। मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि मेथड आपने कौन सा मेथड, स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाले मेथड पे चले जाएंगे। अगर मेथड स्पेसिफिक नहीं है तो, अगर उसने कह दिया है कि भाई आपने मेथड अप्लाई ही यही वाला करना है कि आपने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे जाना है, तो फिर तो है हमारी मजबूरी। अदरवाइज हम लोग क्या किया करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आपने सर्विस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को एक्स एंड वाई कंसीडर कर देना है। फिर एक्स की वैल्यू कैसे आएगी कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को आपने एक्स कंसीडर किया है उसके गिवन ओवरहेड्स और उसमें प्लस कर दो, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट कितने परसेंट आ रहा है। तो आप देखो कैंटीन के लिए बात करें तो उसमें बॉयलर हाउस कितने परसेंट आ रहा था, 20% अपने ओवरहेड्स का, लेकिन वो अपने टोटल ओवरहेड्स का 20% आ रहा है। तो आपने 100,000 का 20% नहीं ले लेना, टोटल का। और टोटल को क्या कह रहे हैं हम लोग, वाई। तो हम लोग 20% ऑफ वाई कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे एक्स पे। गॉट इट? बाद में इसको रीअरेंज करके कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करना है। जैसे अब इसको हमने रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट वन को अगर रीअरेंज करें तो एक्स माइनस 0.2 ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये है इसका प्रॉपर मेथड। दूसरे को जब करेंगे तो आएगा 0.1 ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -100,000। अब जैसे ही ये इक्वेशन आप लोग अपने कैलकुलेटर को बताएंगे, आते हैं ना कैलकुलेटर से सॉल्व करना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आता है ना सब बच्चों को? तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी एक्स की और वाई की। अब एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 100, और वाई की वैल्यू 110। अब ये एक्स और वाई बेसिकली आपके सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन एंड बॉयलर हाउस के टोटल हैं, ये जाके आपने डिडक्ट करते हैं। गॉट इट? अब जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन में जाओगे ना, देखें ये तो उसने आपको एज इट इज बता दिया, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो नील हो जाएगा। इन केस अगर आप यहां पर वो सर्विस डिपार्टमेंट लिख भी देते हैं, कौन कौन सा था, कैंटीन एंड बॉयलर हाउस। अच्छा देखें इसका क्या आ रहा था, 78,000, इसके लिए क्या आ रहा था, 100,000। नहीं स्टार्ट में तो ऐसे ही था ना, इसको मैं जरा ये देखें यहां पे लिख देता हूं। अगर आप इसने आगे सर्विस डिपार्टमेंट नहीं लिखे हुए, इसने आगे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख दिए हैं, आप लोग चाहें तो आप आगे सर्विस डिपार्टमेंट लिख लिया करें, कोई ऐसा ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब आप लोगों ने उसको पोर्शन किस तरह से करना है, इसके बाद दो और कॉलम आ जाएंगे, कौन कौन से, कैंटीन एंड बॉयलर हाउस। भाई इनके जो ओवरहेड्स गिवन है, जिस तरह से इसका था 700,000, 300,000 एंड 400,000, ये चीज आपको गिवन थी क्वेश्चन में स्टार्ट से ही। आपने बिल्कुल आकर ऐसे ही इसको भी लिख देना है, 78,000 एंड 100,000। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अच्छा अब आप पे डिपेंड करता है, जिसको मर्जी पहले कर लो, अदरवाइज आपको पहले ये सोचना पड़ता है कि मैंने कौन से सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को एलोकेट करना है। सबसे पहले आपने ये जरूर देखना होता है कि किन को जाके सबसे पहले अपॉर्चन करें, तो वो डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। लेकिन जब यहां पे पहुंच जाए इक्वेशन बना लें, फिर जिसको चाहे मर्जी पहले कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये देखें कि कैंटीन वाले मेरे पास टोटल वैल्यू क्या आ रही थी, जबकि मेरे पास यहां पे कितने हैं, 78, लेकिन मैंने जाके अपोर्शन कितना करना है, 100,000 को, ये 100,000, यहां से लेस करोगे 100,000। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा क्या कैंटीन वाले खुद को सर्विसेज देंगे? नहीं, उसके अलावा देखो
उसके अलावा परसेंटेजेस देखो क्या आ रही हैं आपके पास। ये देखो कैंटीन वालों की ये परसेंटेजेस हैं, ऑलराइट, कि आप लोगों ने 100,000 का 40%, 20%, 30% एंड 10% ये जाके चार्ज कर देना है। तो जरा चार्ज करते हैं इनको। तो जैसे ही ये हमने चार्ज किया, देखो 40%, 20%, 30% एंड आज चाहे ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो आपका 1 लाख रुपया पूरा हो गया। हालांकि यहां पर आप देखें तो आपने करना तो 1 लाख था, लेकिन यहाँ पे टोटल आपका बन कितना रहा था, 90,000। तो क्या मसला नहीं था यहाँ पे? ओके, फिर दूसरी बात, आप यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं कि वो 100,000 का 40% ये तो लिख लिया, लेकिन इसका टोटल ना 100% नहीं बन रहा था, तो ये 90% इन टोटल बन रहा था। बेसिकली 10% इस सर्विस डिपार्टमेंट को हमने दिया है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा अब देखो, जैसे ही यहाँ पे गए बॉयलर हाउस, एलोकेट कितना करना है हम लोगों ने, ये देखो जो वैल्यू आई थी कर दो भाई इसको एलोकेट, 110,000 इसमें से लेस कर दो। कौन सी परसेंटेज पर लेस करना है, ये देखो ये गिवन था। अब बॉयलर हाउस के लिए ये वाली परसेंटेजेस हैं 30, 30, 20, 20। अब 110 का 30% इज इक्वल टू 33,000, यहां पर भी 33,000, 22,000 एंड 22,000, गॉट इट। अब जब टोटल करने के लिए जाओगे तो देखो 78 प्लस 22 माइनस 100 नील हो नहीं गया। इसी तरह जब यहां पे टोटल करने गए, क्या नील हो नहीं गया? ये बाकी हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना अपना हिस्सा आपको मिल गया है। बात क्लियर? कोई डाउट? और क्लियर? चलिए गुड, शाबाश। मोस्टली हम लोग प्रेफर किया करेंगे इसी को ही, कि हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पे चले जाएं। अदरवाइज रिपीटेड मेथड पे भी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे भी जा सकते हैं। वहां पे क्या करना है कि आप ना देखें, अब ऐसा नहीं है कि आप 10-12 मरतबा रीअपोर्शनमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम ना 6 टाइम्स तक जाएं, जब आपको लगे ना कि आप वैल्यूज डेसिमल के फॉर्म में आने लग गई हैं, वहां पर राउंडिंग ऑफ करते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट को कुछ ना दें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबको देकर चले जाएं। तो 2, 4, 5 रुपीज की जो डिफरेंस होता है ना, वो कोई डिफरेंस नहीं कंसिडर होता, इतनी आप लोगों को छूट होती है उस मेथड के अंदर। जब इक्वेशंस के फॉर्म में जाते हैं तो हम लोग एक्यूरेसी पे जा रहे होते हैं, लेकिन जब आप लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे जाएंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत डेविएशन आएगी। तो वो थोड़ी बहुत डेविएशन, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर ने ऐसा नहीं चेक करना, इंसानों ने ही चेक करना है, तो उनको इतना आइडिया हो जाएगा कि भाई यहां पर उसने आके राउंडिंग ऑफ दी है, तो राउंडिंग ऑफ का कोई एरर कंसीडर नहीं हो। गॉट इट? तो मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है जरूरी कि यहां पर आपकी वैल्यू 773,000 ही हो, ये थोड़ा बहुत का डिफरेंस चलेगा अगर आप लोग रिपीटेड मेथड के ऊपर जाते हैं और राउंडिंग ऑफ करते हैं। कोई डाउट किसी को? अच्छा, जितना प्रीवियस लेक्चर हमारा ये इंपॉर्टेंट था ना, उससे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट हमारे नेक्स्ट लेक्चर इस तरह आते जाएंगे। मेरे ख्याल से पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप सब बच्चों के। देखो जब तक प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गए ना, क्लैरिटी बिल्कुल, तब तक न्यू कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से आपने जरा साथ साथ रहना है कि आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे अच्छे तरीके से हो। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, तो यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, OAR, और उसके लिए कहता है कंपोजिट ऑन डिफरेंट बेसिस। अब देखिए OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये बात तो कंफर्म है कि न्यूमिरेटर में आएगा हमारा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, एस्टिमेटेड एफओएच, एस्टिमेटेड या बजटेड ओवरहेड, ये बात तो कंफर्म है कि न्यूमिरेटर में उसने आना है। लेकिन डिनोमिनेटर में ही कौन जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने बेस किसको कंसीडर किया है। अब इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि वैसे हमारे पास 6 डिफरेंट बेसिस हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीजें वेरी करती जाएंगी। वो आपको जिस किस्म का डाटा देगा, जिस किस्म का आपका ओवरहेड होगा, आप उसके मुताबिक ही जाकर OAR फाइंड करोगे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों ने ना वो तमाम तर प्रोडक्ट्स के लिए और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही OAR कंसीडर कर लेते हैं, मतलब टोटल एस्टिमेटेड
बजट इज ओवरहेड डिवाइडेड बाय जो भी रिक्वायर्ड बेस हो उसकी, उसके मुताबिक हम लोग तमाम फैक्ट्री के लिए, तमाम प्रोडक्ट्स के लिए एक ही ओएआर कंसीडर करते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर सिंगल ओएआर चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंटल ओएआर फाइंड करते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग, तो हम लोग वक्त के साथ साथ वो सारी चीजें सीखते जाएंगे। अभी फोकस करना है कि ओएआर को डिटरमिन कैसे करना है, हम लोगों ने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह डिटरमिन करना है और उसके लिए बेस हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में देखें तो कहते हैं एस एन इंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स हमारे पास, अच्छा प्रोडक्ट वाइज भी आ सकता है, डिपार्टमेंटल वाइज भी आ सकता है ये आपके पास, और ये इन टोटल सिंगल ओएआर भी आ सकता है। अब देखिए थ्री प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एक ही होती है लेकिन सिर्फ डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट भी चेंज है और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं हम लोग, तो वो क्वेश्चन आपके पास ऐसे प्रैक्टिस के तौर पर आते जाएंगे। अच्छा उसमें ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी हम अपना सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे। कहते हैं थ्री प्रोडक्ट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, द मैनेजमेंट हैज सम रिजर्वेशन ऑन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज रिव्यूड द रिकॉर्ड एंड गैदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लेटेस्ट क्वार्टर वर एज फॉलोज। अब देखें यहां पर डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास, डायरेक्ट लेबर है, इसका तो ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, ओके इसका प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मतलब आइडेंटिफाइएबल विद नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इनका तो कोई मसला ही नहीं है, हमें पता है कि एक यूनिट बनाने के ऊपर कितनी मटेरियल अप्लाई करते हैं, भाई जितना मटेरियल लगेगा उतना ही हम लोग लेके चले जाएंगे। जितना लेबर, हमें पता है कि भाई एक प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने पर लेबर को कितना टाइम लगता है, तो उसके मुताबिक हम उसको वेज रेट दे देते हैं, तो उसके लिए भी हमें ऐसा सच मुश्किल पेश नहीं आती। मुश्किल कहाँ पे पेश आती है, जहां हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जहां पर हम लोग यूनिट के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई ना कर सकते, उनके लिए ओएआर फाइंड किया जाता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखा जाता है कि पर यूनिट हम कितना ओवरहेड जाके चार्ज करेंगे। ऑलराइट, अब ये बेसिकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के पास कि डायरेक्ट मटेरियल ये है, डायरेक्ट लेबर ये है। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपके बड़े काम आ सकती है कि अगर आप लोग बेस ही इसी को बना दो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपने बेस बना दी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने बेस बना दी, अगर आपको वो सिक्स बेसिस याद हो तो उनमें से दो बेसिस यही थी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर, तो जब तक ये नहीं होंगे तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, इसलिए वो दो बातें आपको बता दी। लेकिन ये आपके एफओएच का पार्ट नहीं बनेगी, एफओएच का पार्ट कौन सी चीज बनेगी, इनडायरेक्ट वेजेस। अब देखिए यहां पर इनडायरेक्ट वेजेस ये है आपके एफओएच का पार्ट, जिनमें वो कहते हैं मशीन की मेंटेनेंस के लिए जो एम्प्लॉयज मौजूद थे उनको जो वेजेस पे कर रहे हैं, स्टोर वालों को कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल वालों को, क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, भाई हैं तो सारी इनडायरेक्ट ही ना, तो जब इनडायरेक्ट है आपको नहीं लगता कि इन सब को एफओएच का पार्ट बन जाना चाहिए। क्लियर, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप लोगों ने ओएआर फाइंड करना हो तो सबसे पहली चीज क्या है, एस्टिमेटेड ओवरहेड, तो पहले अपने ओवरहेड तो देखो ना कि आपके पास इन टोटल ओवरहेड्स हैं कितने, तो हम लोग अपने ओवरहेड्स को देखने जा रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, फ्यूल एंड पावर कहाँ जाते हैं, एफओएच का पार्ट बनते हैं, तो ये भी एफओएच में चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग एफओएच का पार्ट बनेंगे, इंश्योरेंस ऑन प्लांट मशीनरी एफओएच का पार्ट बनेंगे, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, इसी तरह स्टोर स्पेयर्स कंज्यूमेबल्स रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। तो आप यहां से लेकर ना जिनको मैंने टिक किया इन सबको सबसे पहले ऐड करो, ताकि आपको ये पता हो आपके टोटल एफओएच कितने, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000 कर लो तो ऐड करो 600 + 360 468 ये सारी वैल्यूज, तो आपके टोटल एफओएच देखें क्या बनेंगे। इन टोटल शाबाश 9.5 94 या 5, 4 9 4 8 9 4 8 4
है, किसी को एतराज? यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा बात क्लियर है, सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया ये? अच्छा साथ साथ कैलकुलेशन अपनी अपनी करते रहना, किसी और पे भरोसा नहीं रखना आप लोगों ने, और जरा जल्दी जल्दी काम करनी है। अच्छा फिर देखें, अब क्या कहते हैं, कहते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आए क्या में नजर आएगा, क्या पहले आपके तमाम तो एक्सपेंसेस की आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, फिर उनकी अपोर्शनमेंट के क्राइटेरियाज बताएगा, क्या क्या बेस यूज कर रहे हैं उन बेसिस के बारे में आप लोगों को बताएगा। तो यहां पर आपसे क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर प्रिडिक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब प्रीवियस क्वार्टर ने हमें क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई ये तीन किस्म के आपके प्रोडक्ट्स हैं ना, तो आपने जो प्रोडक्शन की थी वो 12,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स एंड, तो हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन कितनी कर ली, 77,000 नंबर ऑफ यूनिट। तो ये एक तीसरी बेस मुझे मिल गई, क्या फिजिकल आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक आपको हम लोग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ऑल राइट, कि अगर हमें कह दे कि फिजिकल प्रोडक्शन के मुताबिक आप लोगों ने ओएच कैलकुलेट करना है, तो इस कॉलम में आके मेरी मदद करनी है। तो आपको मेरी बात क्लियर हुई? डन। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता है डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट। देखो एक और बेस हमें मिल गई, क्या डायरेक्ट लेबर और, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, पर यूनिट। हम लोगों ने पर यूनिट नहीं देखना होता, जब हम लोगों ने बेस बनानी हो ना तो हमेशा हम लोग टोटल के ऊपर जाते हैं, हम लोग पर यूनिट पे नहीं रहते। जब बेस बनानी हो तो हम लोगों ने हमेशा टोटल के ऊपर जाना है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास भाई टोटल लेबर और कितने यूज हो रहे हैं फॉर अल्फा बीटा एंड गामा। अगर ये डिपार्टमेंट हो तो डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी जो भी हो। तो यहां पर ना बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं 20 + 5 + 4, मैं यहाँ पे 29 कर दूं, कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोगों ने लेबर और के मुताबिक कर लेना है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर आप लोगों ने ना लेबर और कैलकुलेट करने हैं। देखें एक यूनिट बनाने पर अल्फा का लेबर और कितना लगता है, तो भाई तो मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो इसके लिए मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, 240, ये वैल्यू लेनी है अल्फा के लिए। ओके हो गया, याद रखिएगा कि आपने पर यूनिट पर नहीं जाना, जब बेस बनाना हो किसी भी चीज को उसको आपने पर यूनिट पे नहीं देखना, उसको आपने हमेशा इन टोटल जाके देखना है। तो यहां पर देखो बीटा के लिए जी 20 and 5 इज इक्वल टू 100,000 जी, इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई किया 180,000। अच्छा अब देखो टोटल लेबर और कितनी यूटिलाइज हुई, 520। अगर डायरेक्ट लेबर आवर के मुताबिक जाता हूं तो मैंने इसके मुताबिक जाके अपने ओवरहेड्स को एब्सॉर्ब करना। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? क्लियर। नेक्स्ट देखो मशीन आवर्स, लेकिन फिर वही बात पर यूनिट है, तो आपने ये भी इसी तरह से देखना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, और फिर देखो कि हमारे मशीन आवर्स टोटल कितने कंज्यूम होंगे जी, 12 × 6 = 72,000 जी, नेक्स्ट 20 × 8 = 160 एंड 45 × 10 इज इक्वल टू 450,000 एंड द टोटल इज 62,000। ऑल राइट। अच्छा यहीं पे ही मतलब स्टूडेंट में, तो एक तो सबसे पहली चीज आप एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करोगे, हमें पता चल गए कितने हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज ये प्रीवियस क्वार्टर का डाटा उठा के दे रहे, तो भाई प्रीवियस क्वार्टर में मेरे ये एक्सपेंस हुए थे,
क्या जरूरी है कि अगले क्वार्टर में भी सेम एक्सपेंस हो? नहीं, जरूरी नहीं है। तो आपको बताएगा कि कौन से एक्सपेंस में कितने परसेंट का इंक्रीज है। टोटल पे 10% इंक्रीज कर दूं, या कोई स्पेसिफिक है जैसा कि रेंट वगैरह हो गया उस पे 10% कर दो, वेजेस पे 20% कर दो, तो उसके मुताबिक मैं उनको कैलकुलेट करूंगा। ओके, क्योंकि मैंने यहां पर एक्चुअल ओवरहेड नहीं लेने होते। OAR को डिटरमिन किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। जब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो तो मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड नहीं होते, मेरे पास हमेशा एस्टिमेशन होती है। तो एस्टिमेशन प्रीवियस को बेस बनाकर की जाती है। गॉट इट? एस्टिमेशन प्रीवियस को बेस बना के की जाती है। अब क्वार्टर टू क्वार्टर जब हम मूव करते हैं ना, आपको पता है ये क्वार्टरली डाटा था तो बहुत कम वेरिएशन नजर आती है, लेकिन ईयर टू ईयर मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन होती हैं। तो हम लोगों को बता देता है कि आपने इन चीजों में इतने इतने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो उसके मुताबिक हम लोग अकाउंट पार करते हैं। गॉट इट? अब अभी के लिए ऐसी कोई बात नहीं की थी, तो मेरी अजम्पशन क्या थी? जो प्रीवियस क्वार्टर के एफओएच थे वही आने वाले क्वार्टर के एफओएच होंगे। क्लियर? सेम केस यहां पे चल रहा है कि भाई जितना टाइम लेबर का पहले लग रहा था फर्स्ट क्वार्टर में कि भाई अल्फा का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें 20 आवर्स चाहिए थे, मेरी यही अजम्पशन है कि अभी भी उनको 20 आवर्स चाहिए होंगे। मे बी वो ऐसा कर सकता है कि भाई लेबर में की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो जो पहले प्रोडक्ट अल्फा वो 20 आवर्स में बनाते थे, एफिशिएंसी के इंक्रीज होने से हो सकता है वो 18 आवर्स में बना रही हूँ, तो आपको बता देगा कि 10% से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो जो टाइम है ना वो 10% से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें, इंस्पेक्शन और पर यूनिट। अब जब फाइनल प्रोडक्ट हमारी बन जाती है ना, तो फिर उसको इंस्पेक्शन के लिए लेके जाते हैं, क्या उसमें किसी किस्म की कोई खराबी वगैरह या इस किस्म का, उसको नोट किया जाता है। तो कहते हैं कि अल्फा के एक यूनिट को इंस्पेक्ट करने के लिए 2 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो इन टोटल 12 इंटू 2 24,000, इसी तरह से 20 इंटू 3 60,000, यहां पर देखें 45 इंटू 4 एंड द टोटल इज 264। टू सिक्सटी फोर थाउजेंड ऑल राइट। अच्छा, यहां तक की बात क्लियर सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं। कहते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एन। तो क्या उसने मुझे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताई हुई है, ये डेप्रिसिएशन बताई है? बस ठीक है, इट्स गुड। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। ओके, तो हम लोग कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं इसकी बेसिस के ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो, वरना वैसे जरूरत नहीं हमें। हाँ, कॉस्ट भी वन होती तो मल्टीप्लाइड बाय 10% डेप्रिसिएशन आ जाती। तो अगर यहां पर देखो तो ये बेसिकली 10% है, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कॉस्ट ऑफ एसिड्स बन जाएगी 15,600,000, ये कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी है अगर जरूरत पड़ जाए रिवर्स कैलकुलेशन। क्लियर? लेकिन अभी तक के लिए वैसे जरूरत नहीं है, कोई डाउट किसी को? अच्छा, गुड। अच्छा, अब आते हैं इधर। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो वो हमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ मतलब इसी डाटा को यूज करते हुए कोई बी सी ऑप्शन भी आएंगे, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में वो क्या कह रहा है? कहते हैं कैलकुलेशंस दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑन वेरियस बेसिस। अब यहां से हमें पता चलता है कि जो डेटा गिवन था उसको बेस बनाकर हमने डिटरमिन कैलकुलेशन किस चीज की करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट की, OAR। ऑल राइट, लेकिन उसके लिए बेस कौन कौन सी? कहते हैं मेरे साथ साथ चलो, सबसे पहली बेस कौन सी उसने बताई? फिजिकल आउटपुट बेसिस। तो उसके लिए अब सेम फार्मूला, अब क्या बनेगा? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। ओके, टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट आ जाएगी। और क्या हम लोगों ने टोटल आउटपुट डिटरमिन करनी ली थी? कितनी?
और क्या हम लोग ने एफ वाई डिटरमिन कर नहीं लिए थे? तो देखो हमारे पास ओ ए आर क्या बन जाएगा, 9488000 डिवाइडेड बाय 77000। जी क्या वैल्यू है? ये लो। और ये वैल्यू अब देखो, 20 किसको बनाया, आउटपुट को, तो जो ओ ए आर आएगा ना ये पर यूनिट आएगा। ओ ए आर जो हमारे पास आएगा उसके साथ हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, पर यूनिट। किसी को मसला, मुश्किल चीज है क्या ये, समझ नहीं आई? चलो अब जैसे ही उसने कहा डायरेक्ट, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि लेबर आवर है या लेबर कॉस्ट। ऑलराइट। अच्छा अब ऐसी सिचुएशन में सपोज अगर यहां पे डायरेक्ट कवर्ड ना भी होता, सिर्फ लेबर कॉस्ट भी होता, तो मोस्टली हम लोग डायरेक्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट तो खुद एफओएच का पार्ट है। ओके, मोस्टली हम लोग डायरेक्ट लेबर की तरफ जाते हैं। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट चाहते हो, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो प्राइम कॉस्ट हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जाना, क्या आपको ये बात याद आई? अच्छा अब हमने क्या करना है, मेरे पास भी न्यूमिरेटर में किसी को कोई एतराज भाई? इसी के लिए तो रेट डिटरमिन कर रहे हैं, सबके लिए न्यूमिरेटर सेम रहेगा, सबकी सिर्फ बेस ने चेंज होना है। लेकिन अब बेस की स्कोप बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट गिवन नहीं थी? तो जाओ इसके साथ डिवाइड कर दो एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास अगर गौर करें तो यहां पर देखो लेबर कॉस्ट की निस्बत आपके एफवेज ज्यादा है, लेबर कॉस्ट की निस्बत आपके एफवेज ज्यादा है। तो अगर आप लोग इसको परसेंटेज की फॉर्म में लेकर जाओ तो भाई अगर 100% भी करोगे तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी लेबर कॉस्ट है उतनी ही एफओएच है। बात समझ आई है? क्लियर। तो ऐसा नहीं लग रहा है अगर एफओएच ज्यादा है तो ये 100% से कई गुना ज्यादा जा रही है। तो कितने, तो टोटल लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट एफओएच आ रहे हैं हमारे पास, ये हमारा आंसर बन गया। मतलब जो भी लेबर कॉस्ट होगी किसी भी प्रोडक्ट की उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 564.76 के साथ, उस प्रोडक्ट का एफएच बन जाएगा। गॉट इट? फिर से सुनो, ये जो हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करते हैं ना, ये बेसिकली इसीलिए फाइंड किया जाता है इनिशियली कि पर यूनिट या पर प्रोडक्ट वगैरह मैं उसकी कॉस्ट को डिटरमिन कर सकूं, क्योंकि कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए एक तो डायरेक्ट मटेरियल चाहिए जो मुझे पता चल जाएगा, डायरेक्ट लेबर चाहिए मुझे पता चल जाएगी, लेकिन प्लस एफओएच करेंगे तो ही तो टोटल कॉस्ट बनेगी। अब बात ये आती है कि एफओएच कितने लेकर आऊं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई मेरे पास टोटल बेस में किसको बना रहा हूं। अब अगर मैंने बेस बनाया है नंबर ऑफ यूनिट को, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर ऑफ यूनिट, मैं ये देखूंगा कि एक यूनिट के ऊपर एफओएच कितना चार्ज करना है मैंने। और अगर मैंने 100 यूनिट्स बना दिए किसी भी प्रोडक्ट के, 100 यूनिट्स बना दिए तो मैंने उसको जाके कितने एफओएच चार्ज करने हैं, 123.221 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मैं जाके चार्ज कर दूंगा 12,322। अगर मैंने 1,000 यूनिट बना दिए मल्टीप्लाई बाय 1,000 और वैल्यू क्या बन जाएगी, 123.221। क्लियर। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, वो मेरा एफओएच हो जाएगा। बात समझ आई? तो कॉस्ट को डिटरमिन किया जा सकता है। फिर इसी तरह से अगर मैं सेकेंड मेथड पे जाता हूं कि भाई मैंने लेबर कॉस्ट की परसेंटेज को एफओएच कंसिडर करना है, तो मैंने ये देखना है, सपोज मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है, कोई भी वैल्यू बताओ, डायरेक्ट मटेरियल कोई भी वैल्यू बता दो। शर्मा रहे हो, पैसे मांगे मैंने तुमसे, 500। डायरेक्ट लेबर बोलो 350। अब साथ में आना है इसके एफओएच, तब जाके बननी है टोटल। क्वेश्चन ये है कि एफओएच कितना आएगा। गॉट इट? मैंने कहा कि भाई एफओएच के लिए आपने बेस किसको बनाना है,
तो लेबर कॉस्ट है मेरे पास कितनी। अब मैंने पूछा भाई लेबर कॉस्ट के ऊपर कौन सी परसेंट है, तो उन्होंने क्या कहा कौन सी परसेंट है। तो आपने जाकर अपनी लेबर कॉस्ट जो भी आपके पास हो उसके ऊपर 564.76% अप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्या आ रही है 1977, ये आपका FOH आ जाएगा। बात समझ आई। तो टोटल कॉस्ट इन तीनों को ऐड करोगे तो यहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस प्रोडक्ट की। ओके, अब किसी को कोई डाउट, क्लियर? चलें, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट जरा डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को टोटल कॉस्ट भी, अल्फा बीटा गैमा, इनके टोटल कॉस्ट भी फाइंड करना सिखानी है। अभी तो हम लोग सिर्फ बेस के ऊपर है ना, फिर हर बेस के मुताबिक उसकी टोटल कॉस्ट भी हम लोगों ने देखनी। अब यहां पर जरा देखिएगा, डायरेक्ट लेबर और इससे पहले क्या था, डायरेक्ट लेबर। अच्छा, और आए हैं तो आप लोगों ने ये देखना है कि भाई चाहे जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं इन टोटल उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेरी लेबर कितने घंटे काम करती है। ऑलराइट, तो क्या वो हमने डिटरमिन कर नहीं लिया था। अच्छा, अब अगर आप लोग देखो कि मैं अगर यहां से करता 20 + 5 + 4 = 29, आपको नहीं लगता अजीब सा आंसर आ जाता, तो मेरी लेबर क्या पूरे उस टाइम पीरियड के अंदर क्या 29 hours काम करती है? तो ऐसी बात नहीं है, कितने hours काम करती है। तो मैं अपने FOH 94,88,000 को डिवाइड करूंगा किसके साथ, 520। तो देखो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 18.25। अब ये देखो बेस किसको बनाया, लेबर आवर्स। तो अब इसके साथ क्या लिखोगे 18.25 पर लेबर आवर। अगर लेबर 1 घंटा काम करती है तो FOH जो मुझे अदर एक्सपेंसेस पड़ते हैं वो 18 point something के पड़ते हैं। तो ये देखो जी, आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, यही आंसर आया होगा आपके पास। लेकिन इसके साथ अब क्या वर्ड यूज करेंगे, तो FOH को जब हम लोगों ने डिटरमिन करना होगा तो ऐसी सिचुएशन में मैं देखूंगा कि उस प्रोडक्ट के लिए या उस डिपार्टमेंट में मेरे कितने लेबर और काम आए। ऑलराइट, इन टोटल तो उनको मल्टीप्लाई इस वैल्यू से करो, FOH की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कोई डाउट? अच्छा देखो, डी ऑप्शन में क्या कहता है, मशीन और को बेस बनाना है। तो देखें क्या मशीन आवर का डाटा गिवन था, ये देखें ये मशीन आवर्स का डाटा गिवन है। तो देखो कितने इन टोटल मशीन आवर्स यूटिलाइज होंगे 682,000, तो 94,88,000 डिवाइडेड बाय 682,000 आंसर इज है। ये देखो अब इसके साथ क्या लिखोगे पर, तो भाई ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने बेस किसको बनाया। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे तो पर यूनिट, आपके पास कोई लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट होगी तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट कॉस्ट। अगर आपके पास सेकंड वाला क्या था, लेबर आवर्स होंगे तो पर लेबर आवर आ जाएगा, मशीन आवर्स होंगे तो पर मशीन आवर आ जाएगा। बात क्लियर? तो देखो आपको उसने डिफरेंट बेसिस के मुताबिक ओ ए आर कैलकुलेट करना बता दिया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कुछ भी इस तरह से। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे कहता कि इंस्पेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन और, तो मेरे पास आंसर क्या, जल्दी से कैलकुलेट करके देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन और, तो मेरे पास आंसर क्या आता। तो अब आपने बेस किसको बनाना है, इंस्पेक्शन और इन टोटल, और वो कितने हैं, तो 94,88,000 डिवाइडेड बाय 264,000 एंड आंसर इज 35.94 पर इंस्पेक्शन और। बात क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा ये था इसका फर्स्ट पार्ट जो कि उसने हमसे कंप्लीट करवाया था। ओके, अच्छा यहां पर अगर आप लोग देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये अभी हम लोग जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर वो आया, ये वो टाइम ड्यूरेशन उसने कैलकुलेट किया है जो हम लोगों ने ये देखें यहां पे कर लिया था, ये 2 4
100, 180, टोटल इज 520, तो उसने यहाँ पर ये वाली टेबल बना दी, टोटल इज 520। ये फिजिकल आउटपुट के बारे में उसने बता दिया, यहाँ पर वो मशीन और के ऊपर के पर यूनिट ये है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करवाया तो उसके पास ये 72, 160, 450, टोटल 682, और ये हमने इस तरह से डिटरमिन कर लिया था। ओके हो गई ये बात, ये वर्किंग आपने जरूर करके देनी कि मैं टोटल मशीन और या टोटल लेबर और टोटल इंस्पेक्शन और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कैसे डिटरमिन कर रहा हूं। तो उसके लिए आप भी इस किस्म का एक टेबल बना लें जैसे इसने बनाया, या आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं जैसे हमने किया। क्लियर? मतलब ऐसे समझ लें, ये जो टेबल बना बनाया है ये तो बनाओगे ही, लेकिन उसके साथ ये एडिशनल कॉलम्स आ जाएंगे जिसमें आप लोगों के पास आ जाएगा टोटल लेबर और टोटल मशीन और एंड टोटल इंस्पेक्शन, और वो कैसे आएंगे वो आप रेफरेंस दे दोगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय मशीन और पर यूनिट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इंस्पेक्शन और पर यूनिट, तो टोटल इंस्पेक्शन और बन जाएंगे। बात क्लियर हो गई? ये आपने वर्किंग जरूर उसे करके देनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये बेसिस बता दी, जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर? अच्छा अब सुनिएगा, अब नेक्स्ट बात आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मतलब अल्फा बीटा एंड गामा के पास जाओ और हर किसी की टोटल कॉस्ट को दे, क्या आप लोग किस तरह से उन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवाओगे। अब देखो भाई, हमें ये मटेरियल वगैरह का तो पता चल जाएगा कि अगर 12,000 यूनिट बना रहा हूं तो उसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा, अगर मैं 20,000 यूनिट बना रहा हूं तो उसके ऊपर कितना मटेरियल लगेगा। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपको लगता है दोनों के ऊपर सेम सेम मटेरियल लगता होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो है, हो सकता है एक पे कम लगे एक पे ज्यादा लगे, तो वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन अगर जरूरत होगी तो हमें बता देगा। अभी हमारा फोकस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर पर नहीं। ओके हो गई बात? ओके चलो अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कहता है, कहते हैं फिजिकल यूनिट्स को जब आपने बेस बनाया तो उसके मुताबिक FOH को जाकर आप लोग किस तरह से एलोकेट करोगे। तो जब आप लोग फिजिकल यूनिट्स के मुताबिक जाओगे तो आप लोगों ने OH क्या फाइंड किया था, 123.221। किसी को कोई एतराज? किसी को कोई एतराज? तो अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा के आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय OAR। तो आप देखें, आप अपने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से अल्फा को कितना एलोकेट करोगे, ये देखो ये वैल्यू आपने मुझे बताई होगी। हाँ जी, किसी को एतराज? अब ये किसकी बेसिस के ऊपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस के ऊपर, नंबर ऑफ जो तो नंबर ऑफ यूनिट्स की बेसिस पर है तो ओ ए आर भी तो नंबर ऑफ यूनिट्स वाला आना चाहिए ना। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ यूनिट्स वाला ओ ए आर कितना आ रहा था, 123 point something, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो तो आपके पास एफ ओ एच की एलोकेशन आ जाएगी। क्या आपने इतने एफ ओ एच प्रोडक्ट ए बी एंड सी को अल्फा बीटा एंड गामा को जाकर एलोकेट कर, तो बीटा के पास कितना जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 123.221 इज इक्वल टू, ये आ गए। क्लियर? तो आपके पास गैमा के पास कितने, 45,000 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, तो और इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आप लोगों के टोटल एफओएच के इक्वल आएंगे। यही तो थे जिनको एलोकेट करना था, किसी को एतराज नहीं? समझ आए बाकी? हाँ जी, अब क्लियर है ना, अब तो मसला नहीं है ना इसमें। चले अब देखो, अगर बेस चेंज करेंगे तो सेकंड बेस कौन सी थी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या बात है भाई,
तो यहां पर देखो तो भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पहले पर यूनिट के हिसाब, देखो उसने ये नहीं बताया कि मैं अपनी लेबर को पर यूनिट कितना पे कर रहा हूं। हाँ उसने ये बता दिया था कि पर यूनिट टाइम कितना लग रहा है, एम आई राइट? उसने ये नहीं बताया था कि टोटल कितने, उसने ये बताया था कि पर यूनिट टाइम कितना लग रहा है हमारे पास। अब अगर आप लोग देखो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी थी, 1680,000, आपने इसी को ही बेस बनाया था, ऐसे ही है ना? अच्छा अब अगर इसके ऊपर मल्टीप्लाई, ये लेबर कॉस्ट है, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सेम वही रेट जो आपने परसेंटेज फाइंड की थी, कितनी परसेंटेज फाइंड की है, 5, थोड़ी बहुत डेविएशन हो सकती है राउंडिंग ऑफ की वजह से, अदरवाइज आपके पास यही आंसर आ गया। मसला ये है कि भाई ये तो टोटल FOH है ना, तो कितने कितने आप जब मैंने बेस बनाना है डायरेक्ट लेबर को, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे लेबर कॉस्ट दो, उन्होंने कहा ये लो 1680,000, लेकिन ये तो टोटल थी। बात ये आ रही थी मैंने FOH क्या टोटल जाके एलोकेट करने थे, नहीं टोटल नहीं करने थे, मैंने मैंने प्रोडक्ट्स के ऊपर एलोकेशन करनी थी। तो मैंने उनसे पूछा भाई मुझे बताओ पर लेबर, ये जो लेबर कॉस्ट है ये मेरी अल्फा के ऊपर कितनी है, बीटा के ऊपर कितनी है, और गामा के ऊपर कितनी है, को इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो हम ले जाएंगे ऑन द बेसिस। अब इसमें सबसे ज्यादा रीजनेबल देखो पे कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से, प्रोडक्ट के ऊपर एक जैसे और से लग रहे हैं। हाँ अच्छा इधर फिर हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोग ये देखते हैं कि भाई पर यूनिट हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पर यूनिट अगर मैं जाऊं तो लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बना कितने रहा हूं, 77,000। अब अगर आप लोग यहां पे देखें ना कि भाई एक अल्फा बनाने में 20 यूनिट लग रहे हैं, बीटा बनाने में 5 आवर्स लग रहे हैं, तो भाई ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों का रेट भी डिफरेंट हो, पर आवर का रेट भी डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन ना में क्लैरिटी नहीं थी कि मैं जाके डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूं कि भाई मेरे पास लेबर कॉस्ट कितनी बनेगी। अब जहां पर हम लोग इस अजम्पशन पे चलते हैं और ये चीज हम उन्हें बता देंगे कि मैंने लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की, FOH की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट लेबर आवर की, कि मैंने लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई थी, टोटल इस प्रोडक्शन के लिए मुझे लेबर कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ी, 1680,000, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितनी पे करनी पड़ेगी, तो इसका पहले रेट फाइंड कर लेंगे। वो आ रहा है 1680,000 डिवाइडेड बाय 77,000, 21.8 रुपीज पर यूनिट। ऑल राइट तो अल्फा के कितने यूनिट बनाए हैं हमने, तो मल्टीप्लाइड बाय 12,000, ये जो रेट आया इसको मल्टीप्लाइड बाय 12,000, ये है आपके पास आपकी लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कौन सी प्रोडक्ट की, अल्फा यहां तक मेरे साथ हो, तो इसी की तो परसेंटेज लेनी थी। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय वो जो आपके पास परसेंटेज थी 564.76% करना, जी अच्छा लेबर कॉस्ट ये आ गई थी 1478,649, लगाना है ना परसेंटेज,
परसेंटेज का साइन लगाना है हमने, 7, 8, 6, 4, 9 point समथिंग। तो ये देखो ये वैल्यू आ गई। ऑल राइट, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में से ये वो अमाउंट है जो आपने प्रोडक्ट अल्फा को देने हैं, FOH। बात क्लियर? फिर से सुन लो। सबसे पहले मेरे पास ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होनी चाहिए। बात सुनो, फिर से बात सुनो। जब मैं जा रहा हूं ना ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो मुझे ये तो पता है कि भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर मैं परसेंटेज अप्लाई करूंगा 564.76%, तो मेरे पास FOH। मैंने बीटा से पूछा कि भाई मुझे बताओ तुम्हारी डायरेक्ट लेबर कितनी है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अब उसके लिए मुझे कैलकुलेशन, अब मैं भी नहीं कहूंगा कि भाई मुझे भी नहीं पता, मैं कोई ऑल्टरनेटिव वे देखूंगा कि मैं इसको एफर्ट कैसे चार्ज करूं। फिर मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली कि भाई डायरेक्ट जो हमारे पास लेबर थी वो इन टोटल है 1680,000 की, और हम लोगों ने इन टोटल पूरे टाइम पीरियड में तमाम प्रोडक्ट्स के जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं वो बनाए हैं 77,000। वहां से मैं रेट डिटरमिन कर लूंगा कि पर यूनिट लेबर कितनी लग रही है, तो वो मेरे पास आंसर आ रहा है 21.7। क्लियर? कोई इशू? यहां पर फिर मैंने बीटा से पूछा कि भाई तुम्हारे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने। उसने कहा ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि हमारे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने। अगर 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बने हैं तो मैंने अभी लेबर कॉस्ट फाइंड की थी पर यूनिट, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 20,000 के साथ, तो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट कितनी बन जाएगी। सबसे पहले लेबर कॉस्ट फाइंड क्या करो, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 21.818 की रेट आ रहा था आपके पास। हाँ, तो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट यहां तक पहुंच गए। भाई मुझे अभी गर्ज इस वैल्यू से नहीं है, मुझे किससे गर्ज है? ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई है आपके पास, आपको किससे गर्ज है? FOH से। और FOH ने क्या कहा था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 564.76, अब इस वैल्यू के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई कर दो, तो आपके FOH आ जाएंगे। चेक करो क्या यही आंसर है, 2464415। थोड़ा बहुत वो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है कि आपने शायद कंप्लीट वैल्यू से कर लिया होगा, इन्होंने सिर्फ इतनी वैल्यू से किया होगा, तो उस वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन वैल्यू की समझ आ गई। अच्छा बताओ अब गामा की कैलकुलेशन कैसे करें? क्या रेट पर यूनिट चेंज होगा? नहीं, वो सेम ही रहेगा तमाम प्रोडक्ट्स के लिए, सिर्फ फर्क क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स। अब गामा के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। गामा की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो एब्जॉर्प्शन रेट 564.76%, तो वैल्यू आएगी 55,44,935 point something। मोस्टली आप लोग पॉइंट्स में ना जाया करो, होल नंबर्स की फॉर्म में रहा करो, अपने आप को पॉइंट्स में कभी भी कॉस्ट में ना लेकर जाना, होल नंबर की फॉर्म में रहा करो। ये बात समझ आ गई? अब अगर आप इन तीनों को ऐड करें ना, आपके टोटल ओवरहेड ही बनते हैं जिनको आपने एब्जॉर्ब करवाना था। ओके हो गई बात। अच्छा अब देखो, जो आपने कहा था ना कि लेबर कॉस्ट, इन टोटल लेबर कॉस्ट कितनी थी आपकी, उसमें से ये वाली लेबर कॉस्ट जा रही है अल्फा के पास, ये लेबर कॉस्ट बीटा के पास, और ये वाली लेबर कॉस्ट गामा के पास, और तीनों का एडिशन ये टोटल लेबर कॉस्ट में। तो आप लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट जब आपको इसको एब्जॉर्ब करवाना हो, तो सबसे पहले देखो कि तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबर कॉस्ट कितनी है। अब हमें डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो लेबर कॉस्ट हम लोग लेके चले गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। FOH को कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर। अच्छा सेकंड आपके पास क्या आ रहा था, बेस कौन सी बनाई थी आपने?
लेबर आवर्स। अच्छा ये आप लोग कैलकुलेट करो, मतलब आपने इसके क्वेश्चन ये देखें, लेबर आवर ये रेट अपने पास लिख लो क्या आ रहा है, 18.246, ये अपने पास लिख लो, ये है आपके पास डेटा अल्फा बीटा एंड गामा के लिए। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि आप लोग एफ ओ एच कितने चार्ज करोगे। शाबाश, 18.246 ये डाटा मौजूद है आपके पास अल्फा बीटा और गामा के। अब हम लोगों ने एफ ओ एच को एब्जॉर्व करवाना था ऑन द बेसिस ऑफ, डायरेक्ट लेबर आवर। तो भाई आप लोगों ने देखने सबसे पहले ओ ए आर, डायरेक्ट लेबर आवर का ओ ए आर हमारे पास क्या था। अच्छा मैं जरा इसका सोल्यूशन यहाँ पे बना दूं, ये देखो आप इसको यूं कर सकते थे, अल्फा बीटा, अच्छा ओ ए आर इज 18.246 सेम तीनों के लिए। ऑलराइट, लेकिन अब साथ में देखो भाई ओ ए आर की बेस क्या है, लेबर आर तो सामने भी तो यार लेबर आर रखो ना, नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों रख रहे हो। क्लियर, अब लेबर आवर्स कितने हैं ये कैलकुलेट किया हुआ है, अब ये 20 नहीं उठाना टोटल उठाना, ये कितना 240,000, फिर 100,000, फिर 180,000, और एफ ओ एच की जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये वैल्यू क्या आ रही है, 4,379,000। शाबाश, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो 2,460,000। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ 3,284,280। अच्छा अब यहां पर वेरिफिकेशन के लिए इन तीनों को ऐड कर लिया करो, अब जरा इन तीनों को ऐड करो, 9,487,920। अब जहां पर अगर देखो ना हमारे एफ ओ एच कितने आ रहे होते हैं, हमने कितने एब्जॉर्व करवा दिए, 8,792,000, जस्ट 80 रुपीज का डिफरेंस है। ओके तो वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑल राइट वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से है, तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होगा। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, किसी को कोई डाउट। चले शाबाश, अब लास्ट वाली क्या थी हमारे पास। अच्छा यहां पर देख ले जरा इसका सोल्यूशन जी, क्या यही चीज थी वैल्यू फर्स्ट वन, क्या यही वैल्यू का ऑलमोस्ट यहाँ, अब बेसिकली वो उसने लिखा तो 18.246 है, लेकिन वो मल्टीप्लाई जब करने जाते हैं ना तो वो टोटल के साथ करता है, तो इस वजह से उसका जो आंसर है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी यहां पर ये। तो आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ मशीन और इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि यहां पर जो हम लोगों ने लेबर और रखे थे, यहां पर आप लोगों ने जाके पुट कर देने हैं अपने पास मशीन और, मशीन और भी हम लोगों ने क्या पहले ही कैलकुलेट कर लिए कितने, 72,000, 160,000 एंड 450,000, तो आप मल्टीप्लाई करवा के वो वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, एम आई राइट, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हाँ सॉरी ओ आई आर भी तो चेंज है ना, क्या वैल्यू थी इसकी, 13.912। थर्टीन 0.912, तो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन बन जाएगा, ये आप बना लोगे इंशाल्लाह, ऐसे ही है। चले जहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्री डिटरमिंड ओवरहेड रेट, ये तो हम लोगों ने इनिशियली कैलकुलेट कर लिया था ना पर यूनिट के हिसाब से या मशीन और या लेबर और के हिसाब से, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ओवरहेड रेट चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो वो हम रीजन देखेंगे कि किस वजह से ऐसा होता है और उसका इम्पैक्ट क्या कुछ आना है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।